नमस्कार, मैं रितु सिंह बोल रही हूँ। मेरा एक सवाल था कि जैसे आजकल लोग मेंटली काफ़ी परेशान हैं, रीज़न चाहे जो भी हो, चाहे पेंडेमिक हो या पर्सनल रीज़न हो, तो मेंटल हेल्थ को किस तरह से हम लोग मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए कोई अच्छे आसन हो तो प्लीज़ बताइए। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है इस तेज़ी से बढ़ते हुए दौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करें, चाहे आप भारत में हो या विदेशों में हो, तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति अधिकतर परेशान चल रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि इस पर चर्चा करते तो सभी हैं, लेकिन किन्हीं को ये नहीं पता है कि किसको इसकी आवश्यकता है। हो सकता है आपके घर परिवार में किन्हीं को इसकी आवश्यकता हो, क्योंकि फिजिकल हेल्थ जो है वो तो आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो तो आप इजिली देख के पढ़ सकते हैं कि किसकी तबीयत ठीक है या नहीं है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को जो है इतनी आसानी से परखा या देखा नहीं जा सकता। और जब हम योग की चर्चा करते हैं तो योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि योग जो है किसी भी बीमारी का जड़ मन को ही मानता है। इसलिए योग में एक खास टर्म यूज करते हैं हम लोग, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, यानी वैसे डिसऑर्डर जो मन से शुरू होते हैं और शरीर पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि तनाव हो गया, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, अर्थराइटिस, अल्सर, तो ये तो कुछ चुनिंदे नाम हैं। ऐसे और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो तनाव के चलते होती हैं। तो मेंटल हेल्थ को कोप करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है मन को शांत रखना। तो अभी हम योग के कुछ ऐसे अभ्यास देखेंगे जो मन को शांत रखने में मदद करेगा। जब हम आसनों की बात करें तो योग में एक खास हिस्सा ऐसा आसनों का बनाया गया है जो कि मन को शांत रखने के लिए और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए है। इस आसन में आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। शवासन में बॉडी को कंप्लीट रिलैक्सेशन मिलता है, चाहे वो मेंटल रिलैक्सेशन हो या फिजिकल रिलैक्सेशन, जो यह शरीर है वो कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है। इसके अलावा आप मत्स्य क्रीड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। मत्स्य क्रीड़ासन का अभ्यास भी मानसिक शांति के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके अलावा अगर आपके घुटनों में समस्या ना हो, अगर आप बैठ सकते हैं घुटनों को फोल्ड करके, तो आप वज्रासन में बैठें, स्वास्तिक आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, अगर महिलाएं हैं तो सिद्धयोनि आसन में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो स्वतः आपका मन शांत होने लगेगा। और आसन है, आप मकरासन का अभ्यास करें मानसिक शांति के लिए, अर्धपवन मुक्तासन का आप अभ्यास कर सकते हैं तनाव को कम करने के लिए, साथ ही साथ आप सुप्त उद्राकर्षण और सव उद्राकर्षण का अभ्यास कर सकते हैं ताकि आपके रीढ़ की हड्डी लचीली हो और स्ट्रेस, आपका फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस कम हो सके। इसके अलावा कुछ प्राणायाम हैं जो खास करके मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है, मानसिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि ध्यान रखें अगर आप मानसिक तनाव से मुक्त हैं तो आप उनसे होने वाली कई बीमारियों से मुक्त रहते हैं, जिन बीमारियों का मैंने नाम बतलाया, ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, अर्थराइटिस, इन सभी बीमारियों से आप दूर रहते हैं अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ और शांत रहते हैं। तो प्राणायाम में एक जनरल ब्रीदिंग होती है जिसमें हम अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान सबसे पहला अभ्यास आप करते हैं वक्ष श्वसन का। आप वक्ष श्वसन का अभ्यास करें। इस अभ्यास में सीने वाले हिस्से में, थोरैसिक रीजन में अधिक से अधिक मात्रा में आप श्वास भरने का प्रयास करते हैं। दूसरा है उदर श्वसन। उदर श्वसन के दौरान आप उदर के हिस्से में, एब्डोमिनल रीजन में, पेट वाले हिस्से में अधिक से अधिक श्वास को भरते हैं पेट में और पुनः श्वास को धीरे धीरे शरीर से बाहर जाने देते हैं। तो इन दोनों अभ्यासों में होता क्या है कि इन दोनों अभ्यासों से अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जा रहा हो तो यह ऑक्सीजन को पुनः बैलेंस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। उसके अलावा आप प्रणव प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं मानसिक शांति के लिए। प्रणव प्राणायाम में आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं और ओम के उच्चारण के साथ श्वास को बाहर की ओर जाने देते हैं। इसका अभ्यास आप जितनी देर चाहे उतनी देर कर सकते हैं, 5 मिनट से लेकर आपकी इच्छा अनुसार आप जितने देर तक कर सकें। इसके अलावा आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें।
क्योंकि नाड़ी शोधन एक ऑल इन वन प्राणायाम है जो हर स्थिति में काम देता है, क्योंकि अगर आपकी नाड़ियाँ शुद्ध रहेंगी तो यकीनन ब्लड फ्लो पूरे शरीर में अच्छा रहेगा और स्ट्रेस कम से कम होने के चांसेस रहेंगे। और एक ऐसा प्राणायाम है जो खास करके इफेक्ट करता है मानसिक तनाव और मानसिक अनिद्रा को लेकर के, यानी ये आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। जैसा नाम है इसका वैसा ही काम है, भ्रमर की तरह गुंजन करके इस प्राणायाम को करते हैं हम। इस प्राणायाम से होता क्या है कि ये प्राणायाम मानसिक शांति के लिए बड़ा ही उत्तम प्राणायाम है। अगर आपको अनिद्रा की शिकायत हो, तनाव हो, तो आप इस प्राणायाम को करें। विद इन मिनट्स आपको रिलीफ मिलेगा, इससे इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये प्राणायाम है। आप 5 से 10 मिनट करें, आपको खुद ब खुद रिलीफ मिलने लगेगा इस प्राणायाम से। साथ ही साथ भ्रामरी प्राणायाम हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसके अलावा कुछ ध्यान के अभ्यास भी हैं, मेडिटेशन के अभ्यास भी हैं। मेडिटेशन के अभ्यास में आप अंतर्मौना का अभ्यास कर सकते हैं, योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चिदाकाश धारणा का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये कुल ऐसे योग के अभ्यास थे जिनमें आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन मिले जुले हैं, जो कि मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे से टैकल करने में आपका मदद करेंगे। इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, चंद्र नमस्कार का अभ्यास करें। इन दोनों अभ्यासों से आपके शरीर में एक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी, जो कि आपके मन में मानसिक अशांति को उत्पन्न नहीं होने देगी। धन्यवाद।